इसने रिकॉर्ड बनाया, दो सरफरंगा जीरो रुपीज। इन हरकतों से साबित होता है कि आप इन्हीं के दोस्त हैं। देखिए हम सारे एक जैसे। हाँ पापर टेलगेट है यासिर गुड्डू चिपेड़े हमारे का गुड्डू की गाड़ी है तो इसीलिए हाथ भी नहीं लगाया। और क्या पैसे लिए गाड़ी बनाने यहाँ तक के ताकि लोग। यार मैं हैरान हूँ इस चीज पे, मैंने पहली दफा पे किए टैक्स। मेरी बीवी ने मेरी जान खाई हुई थी कि नहीं भाई यार तू ये जहाँ से जा। मैंने कहा भाई आपको पता ही नहीं है ज होते ना ये चीज डिफरेंट होती है। तो भाई बीवी शाउट आउट, लेकिन सॉरी यार भेज दो वी हैव टू गो विद सुनील भाई। हाँ कल्चरल नाइट पे डांस भी करना लास्ट टाइम भी हम गए थे, बड़ी आला थी। नहीं मैंने डांस नहीं किया था, तुम लोगों ने करना। मेरे डांस क्यों मैंने ऐसी हड्डी उड़ी निकल गई थे, सही भी नहीं होनी। नहीं तो वीडियो लीक करेंगे। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर, क्या जोश हो रहा है? गाड़ी जा रही है वो देखें पेट्रोल के लिए, बिकॉज लेट हो गई है, इसका पावर स्टीयरिंग पंप खराब था। फाइनल टाइम पे हमेशा जब भी आप जो मर्जी तैयारी कर लें एंड टाइम पर आ जाती है। पावर स्टीयरिंग पंप डाला है, उसको धो के घर से लेके आए हैं, नहा के अब वो फ्यूल डलवाएंगे। ये गाड़ी है इसमें फ्यूल है, सामान इसमें रखें बस। सर जरा ये तो बताएं फरहान साहब को क्यों नहीं लेके जा रहे? फरहान साहब जो है पीछे हमारे, इनके नाजुक कंधों पे जिम्मेदारी है, ना रजा इधर है ना मैं इधर हूँ, तो फरहान साहब जो है वो पाक बिल्कुल अपने कंधों पे उठाएंगे। वैसे तो कंधे नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये खुश रहेंगे एक हफ्ता, इनको टेबल टेनिस हारने को नहीं मिलेगी। एक मैच हो जाता है जाने से। हाँ अभी हो जाएगा मैच, थोड़ी देर बाद मिस मैच हो जाएगा। देखिए ये मुझे सतरंगा भी लेके जाते हैं, उसके अलावा देखिए आपने रील देखी होगी वायरल हो रही है, उसमें दीप दीप बातें करते हैं मेरे साथ। ये देखिए मेरे साथ वो बातें, आप उसका मतलब गलत लेते हैं, जो रील देख रहे हैं उनको लेते हैं। मैंने बिल्कुल ठीक था, आपने गलत बात की थी। आप वो अभी वो करा रहे थे जरा पाउडर वगैरह खताती, और उसके अलावा सारा मेकअप भी कराया। नहीं मेकअप नहीं कराया मैंने, तैयार नहीं लग रहे यार। हुआ नहीं ना तैयार, चल गया ना आया लेकिन मुंह नहीं धोया। वो देखिए दोनों पार्क व्हील्स की ब्रांडेड शर्ट्स पहन के, इसलिए आपने हरी साथ लेके जाया। यार ये इस बंदे का चैलेंज है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, कोई बंदा इतने कम पैसों में नहीं तीन टूर कर सकता सरफरंगा जितने इसमें किए। इसका बजट पूछे आज तीसरा सरफरंगा जा रहा है, जेब से रुपया नहीं। अच्छा इसकी खासियत क्या है? जहाँ टोल प्लाजा आएगा वक्त हो जाएगा, जहाँ पेट्रोल की बारी आएगी बात हो जाएगा, जहाँ कोई खर्चे की बारी है तो मैं गालियां निकाल दी लगा दी नहीं। अब ये है कि इस ग्रुप के जो हमने बेसिकली बनाया एडवेंचर को जरा शुगल बनाने, एक गाड़ी मेरे पास है, ये मेरे साथ ड्राइवर कोई नहीं, मेरे पास सारे वीडियो वाले बॉयज हैं। दूसरी गाड़ी में है जी रेवो के अंदर ये दो ड्राइवर हैं, तीसरी के अंदर ये दो ड्राइवर हैं, और चौथी में ये है, इसके साथ अरकान होगा। तो रूल ये है कि जी 120 से ऊपर नहीं जाना, जहाँ पे जो स्पीड लिमिट है उसको फॉलो करना है, पहाड़ी इलाके में भी ये वो। और हम फ्यूल एवरेज कैलकुलेट करेंगे, इन दो लोगों को फ़ायदा है, इसको और बाली को। बाली कहाँ गया? इनके पास 2.8 टोयोटा के नए इंजन है, तो वो 10 की एवरेज तो देते हैं। आपका और मेरा चैलेंज है ज़्यादा कि हम क्या एवरेज निकालते हैं। अभी सबकी गाड़ियाँ फुल हैं, सबके ट्रिप मीटर जीरो किए जाएंगे, अगली फ्यूलिंग पे जितने में मुझे फुल होगी उतने लीटर डाला होगा पता लग जाएगा। ये जो हंस रहा है ये इसलिए हंस रहा है कि आज पहली दफा जिंदगी में टाइम पे आया है, इसकी वजह से डिले नहीं है। माशाल्लाह इतना चीज़ा बन के आया, ऐसा लग रहा है गुरुकुल जाने लगा है। इसको आज जमा ना करा दे वहाँ पे गिलगित के स्कूल में, वहाँ पे बच्चों के साथ पढ़ा करेंगे। इसी बहाने लड़के की स्कूलिंग भी हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ इसी बहाने स्कूलिंग भी हो जाएगी। यहाँ तो लोग जानते वहाँ जानते नहीं हो, छोटा सा बच्चा बन के पढ़ भी लेगा। दो कंटेस्टेंट हैं जिनको स्कूल भेजना है, तो खैर इसलिए कोई उल्टा काम नहीं। रास्ते में हमने सिर्फ ये ठोकर से दो बंदे उठाने, एक किडनैप किया ना, और फिर हमने इस्लामाबाद के पहले जो है हमारा पहला स्टॉप होगा भेरा पे, भेरा पे जी। कोई उतरना नहीं, गाड़ी में रहना है आराम से, वहां पे इकट्ठे होकर ऑर्गेनाइज करके जो इस्लामाबाद से बंदे जिनको पिक करना है उनको मेन पे बुलाना है। फ्यूलिंग पहली होगी हकला स्टेशन पे, जाहिर भाई के जहाँ पे यादगार बनी हुई है। ठीक है जी, वन बाय वन गाड़ियां बता दें। गाड़ी मेरे पास जो लैंड क्रूजर है 2011, ठीक है जी। उसके बाद इमरान साहब के पास है 2.7 सर्फ है 2006 का, और यया तिवारी साहब कौन फारूक भाई हैं, इनके पास रेवो 2.8 है, और बाली के पास फॉर्चूनर लेजेंडर है। चार गाड़ियाँ हैं, चार चौके 16 होता है, दो गाड़ियों में पांच पांच बंदे होंगे और एक में दो में चार चार होंगे, जो 7 सीटर हैं। एक मेरे साथ पाँच हो जाएगा, एक इसमें पाँच हो जाएगा, पूरे बंदे हैं पूरी गाड़ियाँ। ये ऐसे 60,000 रुपये लेगा तो जाएगा, वरना बैठेगा नहीं गाड़ी में। इसने रिकॉर्ड बनाया, दो सरफरंगा जीरो रुपीज। ये और मलिक नबीद, ये और मलिक नबीद। इन हरकतों से साबित होता है कि आप इन्हीं के दोस्त हैं। देखिए हम सारे एक जैसे। हाँ हाँ जी, 6:23 पे निकले हैं, टारगेट 6 बजे का था, 23 मिनट लेट हो गए, वो इतने लोगों में इतना तो हो ही जाता है। इंशाल्लाह ताला 6:23 का मतलब ये है कि हम मेरे ख्याल 7 बजे मोटर पर चढ़ जाएंगे। 7 बजे चढ़ेंगे तो 2 घंटे बाद या 2.25 घंटे में भेरा होंगे 9 बजे, और 10:30-11 बजे करीब हमने इस्लामाबाद से चार लोगों को 5 लोगों को पिक करना है, उन्हें पिक करेंगे और फिर आगे।
1 hour later. तो जी अब सारी गाड़ियाँ जो हैं तकरीबन अलाइन हो गई हैं। 57 किलोमीटर हमें निकले हुए हो गए लाहौर से, और फ्यूल एवरेज का जो टारगेट था पहले तो 3.2 और 3.4 थी, अब 7 किलोमीटर पर लीटर पे आ गई है। टारगेट इसको 8 पे लेके जाना है, मेरा ख्याल है 8 पे तो शायद ना जाए, लेकिन 7.6-7.8 हम अचीव कर लेंगे, विच इज़ वेरी गुड एवरेज फॉर अ 7-सीटर कार। और जो फैसला ये था आते हुए कि यहाँ पुराना 80 सीरीज़ लेके आऊँ या ये लेके आऊँ, 80 सीरीज़ डीजल था, पुराना था, फिर उसने भी 7 की एवरेज देनी थी। मैंने कहा अगर हम इससे प्यार से 7 की एवरेज ले लेंगे तो कम्फर्ट आप पीछे वालों से पता करें कैसा है, कम्फर्ट बेहतरीन है, बेहतरीन आ रहा है, बगैर थकन आराम से पहुँच जाएंगे। और टारगेट ये है कि आज का दिन जो हमने सफ़र है वो नारान तक का करना है, और नारान में जाके 4-5 घंटे रेस्ट करेंगे, और फिर नारान से आगे जब दिन की रोशनी में निकलेंगे, बिकॉज आपको चलास वाला जो एरिया और बाबूसर है वो दिन की रोशनी में क्रॉस करना है, तो देखते हैं इंशाल्लाह कैसा जाता है। मेरा टारगेट हमारा यही है कि अभी 7:15 हो गए हैं, 7 बजे तक मोटर पे चढ़ के हुए थे, और सुबह 5 बजे तक हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे वहाँ पे नारान, और बाकी आपको साथ साथ अपडेट देते हैं। रात को सफ़र करने का मेरा मकसद ये होता है कि जब आप ये बालाकोट और इसके आगे का एरिया जब क्रॉस करते हैं ना नारान तक का, दिन के टाइम बहुत ट्रैफिक बहुत रश होती है, रात के टाइम पे एक तो ईजी होता है, दूसरा पहाड़ों में सामने से आने वाली ट्रैफिक की लाइट आपको बता देती है, तो आपको मोड़ों पर जो ब्लाइंड कॉर्नर नहीं मिलते। तो ये 2 वजह हैं जिनकी वजह से मैं रात को हमेशा ट्रैवल करता हूँ, और डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं तो साथ साथ इन्जॉय करेंगे, पार्क व्हील्स के लोग भी हैं, दोस्त भी हैं, और भी दोस्त हैं, तो सारों को मिल के देखते हैं कैसा एक मिक्स प्लेट ऑमलेट बनेगा। लड़ाइयाँ भी शुरू हो चुकी हैं, पहली लड़ाई ऑलरेडी हो चुकी है व्हाट्सएप ग्रुप पे आने और ना आने के ऊपर, निकालने के ऊपर, तो आगे देखते हैं और आपको दिखाते हैं क्या होता है। सो ये अब हम पहुँच गए जी बेरा, जो उनको इंस्ट्रक्शन दी थी वो नहीं हुआ। अच्छा जी, कितना पेट्रोल खाया अभी तक? अभी तो मेरा क्वार्टर भी नहीं हुआ, मेरा तो ऊपर से फुल से नहीं चुतरा, 11.9 बाली मेरा ख्याल पड़ता है ज़्यादा, इसकी गाड़ी ज़्यादा बैठी भी नहीं है, सबसे ज्यादा सामान इसमें रखा हुआ है, सामान इसमें बहुत ज्यादा, इसमें ना किधर है सारे, अंदर अंदर है, क्यों अंदर बैठे खा रहे हैं? नहीं बस पैक करवा, ड्राइव थ्रू लेने ना। अच्छा उमर हक साहब ने ग्रुप में एक जगह भेजी है न्यू बालाकोट, याद है यहाँ लास्ट टाइम तो सूरते पड़ता था, उन्होंने कहा न्यू बालाकोट नहीं जाना, ठीक है, उन्होंने एक प्लाजा बताया कि जहाँ से एग्जिट करना है वो उसमें, यार ग्रुप में डालो ना, तुम्हारे पास भी जगह है ना सामान की, ठीक है, तुम दोनों अकेले ही हो अभी? नहीं साथ यासिर, यासिर कहाँ गया? पावर टेलगेट है यासिर, यार भाई माफ कर, गुड्डू चिपड़े हमारे का, गुड्डू की गाड़ी है, तो इसीलिए हाथ भी नहीं लगाया, ये पावर टेलगेट वाला संडे पे भी होने लगा था, मेरे साथ तेरे साथ ही होने लगा था, मैं भूल जा तो भाई गलती होगी, माफी दे, अब मानूंगा तू करू आदमी है, पहले तो तू व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर, दूसरा गालियां इसको दे, तीसरा अगर तू पियो का है ना, नहीं है तो इसके पैसे खर्च माने तू, नहीं है वो, नहीं है, नहीं है वो, तू खुद ही कह रहे कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो तो है ही नहीं, वो है ही नहीं, नहीं तू पैसे वो पहले बार मार गया यार, बकवास ना कर। 10:38 हुए हैं और मेरे ख्याल 6:40 पे हम दफ्तर से निकले थे जी सर, 4 घंटे नो स्पीड लिमिट ब्रोकन नथिंग, आधे घंटे की बीच में ब्रेक, और 2-3 लड़ाइयाँ जो व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रही हैं उसके साथ हम पहुँच चुके हैं टोल प्लाजा के ऊपर, और यहाँ से हम हमजा भट्टी साहब को पिक करना है, बाली वगैरह वहाँ पहुँच चुके हैं, अरगान साहब जो हैं वो हमसे तकरीबन 30 मिनट की दूरी पे हैं, अरगान भी हमारे तक पहुंच रहा है, किसी ना किसी तरह काम चल ही रहा है, सारी कैश लेंस हैं और हम ये टोल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद के। लाएं जी पर्ची दें, हमारी गाड़ी का ई टैग लगा है लेकिन वो पता नहीं कोई तकलीफ़ है, वो चलता नहीं है, उसमें बैलेंस भी मैंने 5,000 रुपये ज़ाये किए, मैं किसी तरह ट्रांसफ़र कर लूँगा किसी दूसरी गाड़ी में। सर एवरेज क्या रही है हमारी? हमारी एवरेज है 7.5, बेहतरीन एवरेज नहीं है? शुक्रिया बेटा, ये लो जी संभालो जी। तो सर आप क्या प्लान है? वो सर्फ हमारे साथ वाला खड़ा है, वो हमारे साथ की वीगो खड़ी है, उसके आगे लगाते हैं, पीछे लगाना डेंजरस है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरे से? आप मेरी गाड़ी में आ जाएं, साइन हो गए। अब इसके बाद अगला स्टेशन आता है हकला, वहाँ से फ्यूल डलवाएं कि बालाकोट चलवा लें? मेरा तो जाएगी, जाएगी बालाकोट तक के नहीं। चले आ जाओ, आ जाओ मेरे पीछे, मैं इधर ही मन, अरे पागल है, इन्हें कह रहे बालाकोट तक पैसे ना मांग लें, मुफ्ता कराना आ गया। अरे ये फ्यूल, ये फ्यूल किसके कार्ड पे होगी? चलो सबने दी है, सबने दी है, सर हम आ चुके हैं, और हमारा जो है ना वो स्कर्दू हम मल्टीपल दफा जा चुके हैं। अच्छा कितने कितने दफा गए हैं? एक्चुअली मैं स्कर्दू को 3-4 दफा जा चुका हूँ। इसी सीजन में गए? नहीं नहीं, इस ऑटम में गए? नहीं नहीं नहीं, ऑटम में गया हूँ। ऑटम बड़ा निर्माण, सबसे खूबसूरत, लेट मी टेल यू द बेस्ट सीजन टू गो टू स्कर्दू और हुंजा इज ऑटम, बिकॉज नंबर 1 टूरिस्ट आपका जरा कम होता है, नंबर 2
जो सीजन है ना और जो मजा जो एक्चुअल प्रॉपर वाली ठंड, ये नहीं जो गंदी वाली ठंड, नहीं ऐसी मॉडरेट ठंड है जिसमें आपको, और बेस्ट चीज ये है कि फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स के लिए इट्स अ ड्रीम बिकॉज कि पूरा का पूरा वो ना ये ऑरेंज और ब्राउन सा हुआ बहुत खूबसूरत, और इतना आपको प्यारा लगेगा। मुझे पर्सनली इवन द चेरी ब्लॉसम सीजन भी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन मुझे पर्सनली जो ना ये वाला पसंद है। और आई वॉज वेरी लकी इनफ ऑलमोस्ट एक्चुअली यू नो बट मेरा फर्स्ट एवर वीडियो मेरी 2016 में आपको शायद ना पता हो, मेरी फर्स्ट एवर वीडियोस करदू हुंजा की ट्रिप की थी, वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी कि हमजा भट्टी साहब आपने जो है ना वीडियोस बनानी है। अच्छा चलो, यानी आपकी जिंदगी में और आपके वीडियो की लाइफ में तो फिर स्कर्दू और हुंजा का काम है सर, मेजर इंपॉर्टेंस बिकॉज दैट इंस्पायर्ड मी कि यार हमजा जी। और लोग अक्सर कहते हैं बायर, मैं कहता हूँ यार मजा जो है ना उस रस्ते के मजा है। हमें यकीन माने, हमें मेरी बीवी ने मेरी जान खाई हुई थी कि नहीं भाई यार तू ये जहाँ से जा, मैंने कहा भाई आपको पता ही नहीं है ज होते हैं ना ये चीज डिफरेंट होती है। तो भाई बीवी शॉर्ट आउट, लेकिन सॉरी यार भेज दो वी हैव टू गो विद सुनील भाई। चलो जी, मुझे बुरा बना के आए घर पे। सही है, कोई नहीं। पहले अक्सर खवातीन मिलती हैं कि जी हमें आपके आपकी आवाज़ अपने घर में हर वक्त सुनने को मिलती है। मैं कहता तंग हो तुसी मेरे तो सारे, अब आपने भी एक लिस्ट में ऐड कर दी है को जहाँ भी। मेरा ख्याल है ये गूगल कह रहा है 4:30, मेरा ख्याल है आई विल बी एबल टू बीट गूगल बाय एन आवर, बिकॉज वो रात का टाइम वो जो पहाड़ों का वो बता रहा है वो आपको दिन के टाइम और स्टॉपेज के मुताबिक बता रहा है। 3:30 to 3:30 इंशाल्लाह हम नारान अपने घर होंगे, और फिर उसके बाद कल वहाँ पे तकरीबन 6-7 घंटे रुके, सुबह 10 बजे का टाइम अनाउंस करेंगे, 10:30 हम सड़क पे होंगे दोबारा, और 7-8 घंटे मिस कर दूँ। हाँ जी जी सर, कैसी जा रही है गाड़ी? एवरी लिखी आ रही है भाई, एवरेज लिखी आ रही है जी। इधर दबाओ ना मोड, डिफरेंट एवरेज लिखी आती है, कितनी एवरेज है? कहाँ पहुँचे अरगान साहब? जी नुमान भाई, हाँ फुल कैसे हैं? 8.9 लोगों के साथ, मेरी 7.5। भाई अरगान किधर पहुंचा है? 25 मिनट में आ रहा है, इसके बाद स्टॉप कोई नहीं है। कैसे है? ठीक है, पर्ची बनाए। और सर कोई जगह नहीं छोड़नी जहाँ से पैसा कमा सके। पैसे कमा के भी चढ़ी है पाइया तो फायदा की सर, अमीर बंदे की निशानी है बेटा, अमीर बंदा ऐसा होता है। ये देखो ये गाड़ी बैंड सर, बस अभी आपकी भी उतरने वाली है। मैं नहीं, अभी नहीं, मैं नारायण जान के बाद मैं और पहनने लगा अभी। हाँ जी, पर्ची पर्ची सर, कंपटीशन कहाँ तक पहुँचा ये देख लो, 13,300 का इनका डल है, 13,331 का मेरा डल है। और इमरान भाई इतने खुश हो रहे थे कि मैं हाफ टैंक में आया हूँ। हाफ टैंक में हार गया पाली। अंकल वो बगैर देख जब भी लोग फिर आया यार, ये क्या आप भाई ने आपके ब्लॉग में कोई डेफिनेशन आती है हमजा भाई शेखों की? ये देखे जब बिल होगी उसके बाद आया, ये शख्स शेखों की डेफिनेशन है, जो ही बिल हुआ नहीं सर, डिक्शनरी में अगर शेख की आके तस्वीर लगानी हुई होगी तो अच्छा ये बताओ, 3 साल से सर फरंगा में तुमने कितने पैसे खर्चे? कुछ नहीं 3 साल से मुफ्ता मार रहा है। अच्छा, रिक्वायरमेंट होती है अगली सीट पे बैठूंगा, अपनी मर्जी की गाड़ी पे बैठूंगा, टोल प्लाजा आएगा सो जाऊंगा, पेट्रोल पंप आएगा वॉशरूम चला जाऊंगा। और क्या अभी आप इल्जाम हैं या सच्चाई है? ये सच्चाई भाई बात है, इस बकवास नहीं नहीं है क्यों लेके आनी, आ जाए बैठ जाओ। हम ये टाइम पूरे साल में एक दफा ही गुजार सकते हैं इकट्ठे। बेटे तू मुझे लेके जा मुफ्त में, मैं कराऊंगा अगले महीने लड़ने चलते हैं। चल डन दिसंबर में जाना है, दिसंबर में मेरे साथ चले। बाली मेरे बेटे मेरी जान, ये ना करें जो हमेशा करता है कि गूगल ओ यहाँ नहीं यहाँ जाना था, जहाँ से उमर रखने का है ना उतरना है। सर मेरे पास वो लोकेशन ग्रुप में भेजी हुई यार उसने, तुम ग्रुप में नहीं हो इधर, ये देखो वहीं से एग्जिट कर जाना। हाँ जी बैठे गाड़ियों में निकले सर, चैसे मैंने तो नहीं पीनी, किसी और ने पीने तो पी लो। इसके बाद कोई स्टॉप नहीं, मैं बता रहा हूँ सीधा नारायण। मैं रात को जल्दी सोने वाले में से हूँ भाई। रास्ते में कहीं पे फ्यूलिंग, रास्ते में फ्यूलिंग आएगी, बालाकोट से पहले नीचे स्टेल का बम आता है जी जी, पहाड़ चढ़ने से पहले उधर इकट्ठे होने। अब हमने ठीक है सर, इतना तो किसी कुड़ी के लिए वेट करता तो इसके बाल रह जाते। बैठ जाओ उतर जाओ। तुम अजीब आइटम हो वैसे, तुम्हारी वैसे 18 बंदे
खरीद कर रहे हैं सर कोई बात और एक बंदे की वजह से मैं रुको वरना मैंने कहा मैं जा रहा हूँ नहीं जाना लव है सर मेरा लव नहीं लव तो है चलो चलो इस पे ट्रिप पे मैंने उसको कुछ नहीं कहना चलो 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 लेट्स गेट इन लेट्स गो लेट हो जाएंगे चलो किसने अगर किसी ने किसी की बेबी को बेस पसंद है तो मैसेज कर लो भाइयों इसके बाद सिग्नल नहीं आने मेरा और अगान का सिस्टम तो क्लियर है बाकी जिसको भी बेस पसंद है ना वो कर ले वो एक दफा कर ले मैसेज क्योंकि आखिरी पॉइंट है इसके बाद मैसेज जो है आते रहेंगे जाते रहेंगे इमरान साहब आपको जो पल पल की खबर देनी है ना पल पल दिल के पास बता देंगे अब नहीं मैं दे सकता और फ्लाइट मेरा ख्याल है अगले तीन दिन की उसने वापसी की तीनों कराई हुई बुक तूने दो जो इसकी ली थी बंद कर देना है क्लास नहीं लेनी इमरान की इमरान की क्लास नहीं लेनी यार अगर तूने शर्ट पहनी भी है अंदर से निकाल के ना ऊपर वो जैकेट पहन यार इसकी जैकेट मैंने पहन ली इसकी जैकेट है इधर नौ जैकेटें लाया हूं मैं तुझे क्या क्या समझा मैं बता दिया करो मैं रात को जैकेट निकाल के तैयारी कर गाड़ी में मेरे पास नौ जैकेटें हैं ये पहनो इस टाइम पहनो मैं कह रहा हूँ बीमार होगा ये चेक कर भाई भरी पड़ी है जैकेट ही जैकेट किसी को मैसेज कर रहे हैं तो भाई कर ले आखिरी मैसेज वाली जगह वो सो के उठा है अभी सो के उठा है जो बैठा हुआ सर मैं मैसेज कर दूं घर के मैं पहुंच गया हूं बालाकोट अम्मी को बता दूं हाँ अगर वैसे लोग आ रहे हैं तो मैं ये बता दूं कि नॉर्थ में चलने वाला सबसे ज्यादा जो नेटवर्क है ना वो टेलनॉर है ऐसे ही इश्तेहार मुफ्त का लगा दिए लेकिन है ऐसे ही जी तो गए रात को हम हैदरिया से पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह और ये देखें ये हमारा क्रू सारा सोया हुआ है और ये रहे सुनील साहब बेहतरीन नींद सर फ्रेश लग रहे हैं सर मैं कहता हूँ फर्श पे जो नींद आती है ना जिंदगी में उससे अच्छी नींद नहीं होती ये देख तैयार हो गया थोड़ा सा लेट गया एक तो ये है उसके बाद एक ये है उसके पीछे फिर एक ये है उसके नीचे फिर एक ये है सर ये सर्दी के लिए आपने पहना कि आपको गद्दा नहीं मिला इतना कुछ पहन लिया आपने मैं वैसे जमीन पे सोता हूं ये मेरी सर्दी की वजह से था गद्दे की भी क्या जरूरत है ये ना जी आपकी बैकबोन सही रहती है ये देखें जी ये लूट दे ओके बोला जमीन पे बैकबोन रात को किसी एक बंदे ने खराटे लिए और ऐसे लिए कि उसने आप थे और मैं तो सोया नहीं था तो खराटे कैसे लेता मैं सो रहा था उनकी कितनी लेयर्स थी कितनी लेयर्स पहनी हुई उन्होंने चार पांच इधर ये है हां बस इतनी लेयर में से तो आवाज ही नहीं आ सकती कोई और खराटे ले रहा था जैसे मैं ना सोया वो अच्छा खराटे ही मैं ले रहा था और मुझे खुद भी आवाज आ रही थी ये देख रहा है उसी ने ले रहा था सर आपको लगता है आप नहीं थे आप ही थे सबसे बड़ा इंजन आपने चलाया और पूरी रात चलाया सबके पास दस मिनट है सबके पास और हम आपको टाइम पे चलते हैं पूरा पूरा टाइम कह रहे जब मैं अच्छा मैंने जब कहा था कि 10 बजे से पहले उठ जाएंगे सब सारे कहते आप पागल हो गए सारे उठ गए ना काफी टाइम मिल गया सोने के फराटों को फराटों को अल्लाह की कसम ये खराटे ना होते बाकी फिर फ्रेश हो जाता था नहीं तो बात सुन मान लास्ट लेके इस दफे पे सर फ्रेश हो जाए तो फिर नाश्ते पे मिलते हैं ब्रेकफास्ट हमारा रेडी है ठीक है अभी सारी जनता बाहर है हम तीन लोग दस्ती पहुंचे अंदर पहले पाए और यहाँ पे ऐसा ही है पहले आए पहले पाए की बुनियाद पे तकसीम किया जाएगा ठीक है और आई थिंक ये सुनील साहब भी आ गए ये हमजा भाई हाँ जी नाश्ता और शादी देने खाने में तो वीडियो बना रहे हैं 20 minutes later. अच्छा भाई कल वाली जो भी गलतियां थी अब नहीं करनी दोबारा साथ साथ चल रहे हैं अब ये कोई नहीं कि फलाना आ रहा है अब सारे आ गए हैं कोई रेस नहीं हो रही कोई वहाँ पे हम ये जो रैली वहाँ जाके कर लेंगे यहाँ पे तमीज़ से जाएंगे अगर पहुँचेंगे तो रैली होगी नहीं रस्ते में कहीं डिगे पड़े होंगे तो फिर सबके लिए मसला होगा इंसानों की तरह जिम्मेदारी से गाड़ी चलानी खासतौर पे आपने रेस नहीं हो रही मैं सही बता रहा हूँ रेस कोई नहीं हो रही तरीके से चलानी है आराम से चलानी है और बिल्कुल साथ साथ चलना है मैं हमेशा कहता हूँ इज्तमाहीत में खैर है अकेले जो जाएगा ना इकट्ठे रहना है हमेशा की तरह एक बंदा है कहाँ है वो लोनर किधर गया नहीं नहीं मोहसिन शेख ये सबसे पहले इसको शौक होता है सबसे आगे जाने का जिस गाड़ी में ये हुआ ना वो गाड़ी हमेशा घूमी मनहूस है ड्राइवर जो होगा उसको कोई क्रॉस नहीं करेगा हाँ जी और लीड ड्राइवर इस केस में जो है बॉस है
अब हम चल पहुँचने वाले हैं बाबूसर टॉप। और मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि गाड़ी चलाना कोई आर्ट नहीं है, गाड़ी को तरीके से चलाना आर्ट है। ख़ास तौर पे जब मैं देखता हूँ कि हम लोग यहाँ पे अक्सर बाबूसर आते हैं, जो चढ़ाई है उस पर लोग कहते हैं कि जी कोई मसला नहीं हम चढ़ा लेंगे, और फिर यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं। उसकी प्राइमरी वजह ये कि लोग गलत गाड़ी चलाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी गाड़ी के बारे में भी पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी की क्या कैपेबिलिटी है, वो किस चढ़ाई को चढ़ सकती है। और ख़ास तौर पर अभी तो इतना ड्राई है, अगर बारिश हुई हो या अगर वो ना बर्फ़बारी हो फिर काफ़ी स्लिपरी होता है। सो अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि अब आगे करोला ये जा रहे हैं ना, ये ऊपर ये शार्प टर्न आना है, इन्होंने राइट करके फिर काटते हैं। जो सामने से आ रहा था उसकी राइट ऑफ वे होता है, उस पर एक्सीडेंट होता है। आपको अपनी साइड पर रखना है और लो गियर में जाना है। सो मैं अभी दूसरे गियर में हूँ, अगर मुझे लगता है कि मेरा दूसरा गियर ये पावर नहीं ले सकेगा तो ये करोला वाले ने देखे बिल्कुल सही किया, ये कल्टस वाला गलत जा रहा है, देखिए ये उस लाइन पे जा रहा है, सामने से आने वाला टकरा सकता है। अब यहाँ से लो गियर पे कर लें और आपका गियर आपको टॉर्क दे देगा, देखें कोई आपको टेंशन नहीं, गाड़ी बड़े आराम से चढ़िए, सामने से आने वाले का रास्ता खाली छोड़ें, ये ना करें कि उसके रास्ते में घुस जाएं। और ओवरटेक भी अगर करना है तो देख के करें, ये ना हो कि अगला वाला जो है आप जल्दी के चक्कर में उसमें अभी दादा जा रहे हैं। दादा याद आए कुछ? अब यहाँ से फिर एक शार्प टर्न आएगा, तो अगर ये एकदम जाके उधर जाएगा तो उसका टर्न आसान हो जाएगा लेकिन सामने वाले में जा सकता है। तो ये ड्राइवर ठीक है, देखिए अपनी साइड से काट रहे हो, ये अपनी साइड से उधर चला गया। अब आपको अपनी साइड पे रहना, दूसरे की साइड पे नहीं जाना, ये देखिए वो गलत जा रहा है। दादा है समझदार, तो दादा कहीं भी जा सकते हैं लेकिन दादा अभी गलत जा रहे थे। मेरा ख्याल है हम पहुँच भी गए ना, चढ़ाई तो कुछ लगी नहीं है, पहुँच गए हैं, टॉप आ गया है, समोसे पकौड़ों की दुकानें आ गई हैं। दूसरा एक लोगों से रिक्वेस्ट ये कि जब भी आए ऐसी जगहों पर कहीं भी ना लफाफे और गंद ना फेंकें, बिकॉज जगह जो है उसका नेचुरल जो हुसन है ना वो ख़राब हो जाता है। कोशिश करें कि नेचुरल जो हैबिटेट है उसको ज़रूर कायम रखें। बिल्कुल, आई थिंक कि इस केस में मैंने भी मल्टीपल दफ़ा ये बात की है कि देखो यार आप लोग आ रहे हो और एज अ टूरिस्ट आ रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एज अ टूरिस्ट ये है कि आपका जो भी गंद है नॉल वो आपने साथ लेके जाएं, या जहाँ पर आपको जगह मिलती है प्रॉपर डस्टबिन में जाके फेंको। यार ये इतना पूरा पाकिस्तान यहाँ पे आ रहा होता है, जब देखो हर दफ़ा ऑनेस्टली आप जब भी आप यहाँ पे आते हो तो पता चलता है जी कूड़ादान बनाया हुआ है। वालेकुम अस्सलाम सर, कहाँ जा रहे सर? मैं जा रहा हूँ जी स्कर्दू, आपको तो पहले ही पता है। एंट्री करा कर जाओ, यहाँ पे लेफ्ट पे लगा लेते हैं। यार एसकॉम ऊपर है ना? 600 और 1000 कितने का मिल जाता है? इंटरनेट 3G 4G ये हमारे कुछ साइड 3G है, बाकी मैक्सिमम ज़्यादातर 4G सही है। और ये तो नहीं होता कि आवाम ज़्यादा होगी रैली पर सिग्नल कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं? मतलब उसके लिए हमारे और भी उसको सिग्नल की जो रेंज होती है उसको हम बढ़ा देते हैं। परफेक्ट जी, परफेक्ट जी। और SEO की सिम जो है इसके बारे में बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि शायद नहीं मिलती, और बड़े लोग ब्लैक भी कर रहे होते हैं कि जी 2000 में ले लें, 5000 में ले लें। कोई ऐसी चक्कर नहीं है, टूरिस्ट की सिम ओपन होती है, उनकी 350 रुपये सिम के चार्जेस हैं, 650 रुपये में आप 10 GB डेटा भी ले लेते हैं, 1000 रुपये में आपको SEO की सिम मिल जाती है, जो कि आपको यहाँ से आपके KKH पे भी चलती है, गिलगित में भी चलती है, और उसका नेट कनेक्टिविटी बाकियों से कदर बेहतर होगा। तो अगर आपने सिम लेनी हो तो बाबूसर पे जब आप आते हैं तो ऊपर ही दिखा दें, पीछे से दिखाएं आपको कैमरे में कि फैसिलिटेशन सेंटर है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो अनाड़ी ड्राइवर हैं वो ब्रेक के लगा लगा के गाड़ी ख़राब करते हैं, तो जब बाबू सर पहुँचे तो जो सर्फ के हमारे ड्राइवर इमरान भाई हैं, इन्होंने सर्फ की ब्रेक के लगा लगा कैसी तैसी फिर दी है, तो अब इसकी ब्रेक जोड़ी भी है, तो इसलिए मैंने उनको अब लैंड क्रूज़र भी नहीं दे रहे, लैंड क्रूज़र दे दिया याया को। मैं इधर आ गया हूँ, इधर हमारे शेख मोहसिन साहब मजदूरी करते हुए, और तो उन्होंने पैसे लाल नहीं कर रहे हैं, वो आ गए हैं। और तो यार तुझे जितना जलील करूँगा तो और आएगा, पागल हो गया तू? गैरत नहीं खानी इसमें, तो आनी जानी चाहिए, बंदा बगैर तो चाहिए। लास्ट पे पहुंच गए हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ से अगर आप शाम के टाइम ट्रैवल कर रहे होंगे तो मगरब के बाद आप उस तरफ को नहीं जा सकते। सिमिलरली जब आपने आना हो तो अंधेरे के बाद आप इस तरफ को नहीं आ सकते, थोड़ा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ से हम आगे निकलेंगे, और इसकी सर्विस जो ब्रेक थी वो वाकई काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन मैंने उसको गियर से ब्रेकिंग करते हुए नीचे ले आया हूँ। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है PSO के पंप के ऊपर, वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, फ्यूलिंग कराते हैं और फिर आगे चलते हैं। और सर आपको एवरेज क्या मिली है? एवरेज यार हमारी गाड़ी की 7.8। सर बेहतरीन है 7.8। मैं प्यार प्यार से चलाता हूँ ना, गियर ब्रेकिंग करता हूँ। चलो आ जाओ फिर आप लोग भी सारे आ जाए। ओके जी।
इधर से जगलोड ब्रिज क्रॉस करके आ गए और अब के स्टार्ट हो गई है और ये आप देखें कितनी बेहतरीन सड़क है और ये आज की नहीं मेरे ख्याल है ये लेट 70s या अर्ली 80s में बनी थी और उस ज़माने में ऐसी ब्लास्टिंग करके ऐसी सड़क बनाना इसलिए इसको कहते हैं कि वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से है एक है नहीं असल में वंडर्स है लेकिन नॉट लेस देन वंडर्स है ये सामने करोला आ रही है ये जो करोला गई है इसको बिंजो गाड़ी बोलते हैं यहाँ पे और ये यहाँ पे जो है ना रैक रोड ब्रिज के इस तरफ नॉन कस्टम गाड़ी जो है वो लीगल है लेकिन उससे उस तरफ आप नहीं लेके जा सकते यहाँ पे आपको काफ़ी नज़र आएंगी गाड़ियाँ जिसके ऊपर DMR प्लेट हो गया था अमीर या NCP 1 NCP 2 बिकॉज जब वो लीगल नहीं थी लेकिन दे वांटेड कि वो कहीं ना कहीं रजिस्टर हो जाए या उनको पता हो किसकी गाड़ी है ताकि दहशतगर्दी और इस तरह की चीज़ों में यूज़ ना हो तो लोकल गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये NCP 1 NCP 2 लोगों की गाड़ियाँ रजिस्टर की थी कि भाई किस किस के नाम पे कौन कौन सी गाड़ी है ये करोला यहाँ की बड़ी फेवरेट है गेन मर्स भी नॉन कस्टम हमारे से आगे कौन है बॉस है खाली बस ये चाहिए हमारे तो सारी गाड़ियाँ पीछे इस टाइम पे हम सबसे आगे एक गाड़ी हमारे से आगे खाली और देखते हैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि 7:30-8 बजे तक हम पहुँच जाएंगे अगर अरगान साहब ने तंग ना किया बार बार रुक के सिर्फ चाय पियेंगे दो जगह फिर पहुँच जाएंगे दो जगह मतलब अभी पियेंगे और उसके बाद चलो एक हाँ हाँ चलो एक जगह चाय पियेंगे हल्की सी मंचिंग करेंगे फिर पहुँच जाएंगे पीछे वाले के मुंह पे मिट्टी चली गई पहली बारी जब स्कर्दू गए थे ना मैं और रजा S1 नहीं बननी थी जब खराब थी तो पहली सरफरंगा में ऐसे लग रहा था वीडियो गेम खेल रहे हैं सीनरी बदल नहीं रही थी सड़क चली जा रही थी टूटी हुई 8:30 घंटे में पहुंचे थे बड़े बुरे हालात थे प्राडो था 96 वाला FJ क्रूजर था और एक वीगो था मेरा वाइट लोकल वाला तीन गाड़ियों पर हम गए थे बड़े बुरे हालात थे उस टाइम पे सड़क के S1 के अब तो बेहतरीन अब हम उतरेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये भी मरी एक्सप्रेस वे टाइप बन गई हुई है पूरे कैट आईज लगे हुए और येलो मार्किंग रात के टाइम तो बहुत इजी है लास्ट टाइम तो याद है तूने BJ40 चलाई थी ना ओ पूरा रास्ता मैनुअल डीजल 2300cc जाते हुए ना पूरा रास्ता चलाई थी तू और मैं दो लोग थे जिन्होंने सिंगल हैंडेड लिए पूरी लाहौर से लेके वहां तक मेरा था रैली वाली गाड़ी ले गया था हां जिसमें आवाजें नहीं आती थी हम KKH पे पहुंच चुके हैं और हम यहाँ पे इसलिए खड़े हैं कि अगेन हम लोनर नहीं बनना चाहते हम सबको साथ लेके चलेंगे यहाँ से एक पुराना रास्ता है जो स्टोर से जाता है वो जा रहा है तो मैंने कहा ये ना कि कंफ्यूज होकर यहाँ चले जाए क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है स्टोर देवसाई वाला रास्ता है बहुत खूबसूरत है अगर किसी को देवसाई देख रहे हो तो आप यहाँ से चले जाएंगे KKH से नीचे उतर रहे बट हमने यहाँ से सीधा S1 से जाना है पीछे जगलोड ब्रिज है जगलोड से आप आगे आएंगे तो ये स्टोर वाला रास्ता है हमने स्टोर नहीं जाना हमने स्ट्रेट जाना है तो बाकी गाड़ी अभी हमारे पीछे फॉर्चूनर पीछे है और हमारी गाड़ी में और कौन सी गाड़ी पीछे है सिल्वर रेवो आगे सिल्वर है वो पे कौन है सिल्वर है वो आगे तो नहीं है अभी सिर्फ सर्फ गया है और बॉस की गाड़ी गई है सिल्वर रेवो भी पीछे है और वाइट फॉर्च्यूनर भी पीछे है तो हम उनका वेट करेंगे ताकि उनको साथ लेके जाएं और बीच में चाय की ब्रेक लेनी है अरगान साहब ने बहुत ज़रूरी मेरे ख्याल है वो हम लेंगे वहाँ पे आता है क्या नाम है उसका राकापोशी व्यू पॉइंट है या K2 का राकापोशी व्यू राकापोशी तो वहाँ पे से लेके चाय फिर हम आगे चलेंगे और इंशाल्लाह ताला 8 बजे पहुँच जाएंगे बॉयज़ अपनी DPs बना रहे हैं हमने भी बना ली हैं और बस वेट कर रहे हैं गाड़ियाँ आ गई चलो बैठो यार हाँ जी पहुँच गए जी स्कर्दू 8:30 और निकले थे हम 11:30 तो जो हमारा टाइम था उस क्लास से पहुँच गए अब थके पड़े हैं सारे और जल के खाना खुना खाते हैं पेट पूजा फिर काम दूजा वैसे हमारा आपका सफर बराबर है चलिए इंट्रोड्यूस कराते हैं हमें देखें यहाँ पे किसने ज्वाइन किया अस्सलाम वालेकुम राना हमजा साहब साहब से पहले पहुँच गए कितने बजे पहुँचे थे हम लोग पहुँचे तकरीबन 6:30 निकले कब थे हम निकले हैं 12:30 अताबाद लेक से मैं पहले ही हुंजा था तो इधर से आपने मैसेज किया मेरे को पहुंचा वहां से आपका और हमारा रूट तो सेम हुआ होगा ना आगे हमारा रूट दोनों का सेम था यहाँ तक जगलोट से आगे जगलोट से तो सेम रोड है पूरी करके और इधर तक जो है और क्या पैसे लिए गाड़ी बनाने यहाँ तक ताकि लोग यार मैं हैरान हूँ इस चीज पे मैंने पहली दफा पे किए टैक्सी ये तो वही बात है
पहली बारी इन्फ्लुएंसर प्रॉब्लम सच कह रहा हूं। किसी ने मुझे फलाना खाना ने कहा मैं कभी पे करके खाता नहीं, मैंने नहीं पता। सिंपल गाड़ी अताबाद लेक से स्कर्दू तक 20,000 रुपया और अगर बड़ी हो तो 50,000। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत पैसे यार। मुझे नहीं पता था कि सिर्फ अताबाद से स्कर्दू तक इतना पैसा। 20,000 गाड़ी लेती है और लोकल यहां से मेरा ख्याल 2,000। यहां से कहां तक का था? अताबाद लेक से स्कर्दू तक 40-20 बड़ी गाड़ी हो तो 50। भाई यहाँ से स्कर्दू से इस्लामाबाद की टिकट है यार 29-28,000। मैं अभी ये बात करते हैं, ये मेरे से रस्ते में पूछ रहे कि हमारे से रिलेटेड एक सवाल था, लोगों ने पूछा जी एनसीपी यहाँ पे क्यों अलाउड है। मैंने कहा देखो यहाँ पे एनसीपी ये नहीं चल रहा कि कोई फोर्ड और बेंटले चला रहा है इधर, ये लोगों का रोजगारी गाड़ी है ऐसी है। और उन हर बंदे के पास देख लो, यहाँ तो जानवर है या गाड़ी है, जिसके पास गाड़ी है दे दे यार, अगर फ्री मिल रहा है मैं ले लेता हूँ। ये बॉस का पता लग रहा है, जिसकी उम्र से पता लग रहा है बॉस का। तो गाड़ियों पे हर बंदे के पास एक गाड़ी है और जो गाड़ियों पे ही उनका सारा ट्रांसपोर्ट चल रहा है, और ऑब्वियसली टूरिज्म में भी गाड़ी जरूरी है बहुत। बट तेरे से तो उन्होंने मेरा ख्याल फॉरनर वाले ले ली। नहीं मैंने फिर पता किया, मैंने कहा ये वाकई इतने हैं कि चेपू लग गया। वो कहते हैं नॉर्मल पैसे भाई। नहीं हम पता क्या करते हैं यहाँ पे, हम जब आते हैं ना तो हमारे पास अपनी गाड़ी के अलावा हम टीम के लिए गाड़ी ले लेते हैं प्राडो रेंट पे। वो रेंट बड़ी सस्ती है, पता नहीं वो मुझे लोकली सस्ता है। अताबाद से आए ना हम, तो हिंजा से हैं, तो वो तो 20,000 छोटी गाड़ी का मैं तो हिल गया। किलोमीटर कितने हैं? किलोमीटर 300 किलोमीटर भी है तो 130-140, इससे ज्यादा नहीं है। नहीं नहीं यार 160 किलोमीटर तो जगलोर से नीचे हैं। नहीं स्कर्दू तक ऑलमोस्ट नहीं 180 है ना, तो अगर 5 की वो अच्छा हाँ यहाँ बजट 5 की एवरेज लगाओ ना। मैं गिलगित तक देख रहा था 5 की। कौन सी गाड़ी थी? टोयोटा थी यार, प्रीमियो प्रीमियो थी तो उसकी तो 10 की एवरेज होगी कम से कम, तो 130 और बाकी उसने आपसे 30,000 प्रॉफिट कमाया। 20 टोटल 20 था ना, तो 10 प्रॉफिट गया। कुछ भी नहीं यार फिर तो, कुछ सही है फिर तो। देखो 10,000 का फ्यूल है देने पड़े ना, इसलिए अलग लग रहे। लेकिन 5-6 घंटे भी लग गए ना, 6 घंटे की मजदूरी भी है, 6 घंटे की मजदूरी भी है तो ठीक है फिर तो सही है उस हिसाब से सही है। नहीं तो आए किस तरह से? आए हम यही गाड़ियों पे, बाकी दोस्तों अपनी गाड़ियों पे आए थे, बाकी उधर मैंने भी दोस्तों के लिए रेट निकाला इस दफा। अच्छा मैं कि जिसने आना है ट्रिप का जाना आना रहना है फिर बंदा 75,000 दबोगे तो आओगे, वरना खाली सीट चली जाएगी, कोई इशू नहीं। तो कितने निकले 75 सुन के यार? 75 वाले दो और एक बगैर थे जो पिछले 3 साल से मुफ्त में आ रहा है, उसको लेके छोड़ने दो। जिन्नी मर्जी यार मुफ्त के मजे अलग है। यानी वो उसने बाकी रिकॉर्ड बनाया, 3rd साल विदाउट इवन रिफंडिंग 0 रुपी। ये सही है यार, उसका आर्ट ये है कि इधर के यार उसका आर्ट ये है कि जब आता है टोल प्लाजा वो सो जाता है, जब फ्यूलिंग का टाइम आता है वो सो जाता है। रस्ते में अभी चाय पिए 960 रुपए की, वो हमसे पहले पहुंचे, जब निकल लेंगे वो बंदा मेरे पास है चाय के पैसे। मैं कह शेर तो मेरे को लाए नहीं मंगने। और भाई ये भी हमारा एक बहुत मांगने में शेर है, ये भाई रोटी भी ले लेता है ऐसे कह के भाई सन पैसे नहीं है रोटी दे दो। इस तरह ही है। सुबह का प्लान ये है, सुबह ओपनिंग सेरेमनी है और उसके बाद सुबह जो है किस चीज़ की ओपनिंग सेरेमनी? रैली की। अच्छा तो चलेंगे, सही है। ओपनिंग सेरेमनी उमर साहब से पूछ लेते हैं कितने बजे हैं, एंड आफ्टर दैट इंस्पेक्शन ऑफ कार्स होगी और बाकी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ कल की हैं वो देखेंगे सारी, पोलो मैच, मे फंग, जाख, कल्चरल नाइट, डांस भी करना। फुल एक्साइटेड है भाई। हाँ फुल कल्चरल नाइट पर डांस भी करना, लास्ट टाइम भी हम गए थे, बड़ी आला थी। नहीं मैंने डांस नहीं किया था, तुम लोगों ने करना, मेरे डांस क्यों मैंने अभी हड्डी उड्डी निकल गई थे, सही भी नहीं होनी। नहीं तो वीडियो लीक करेंगे, तो बनासी लीक करेंगे टेंशन ले। उमर साहब से ये बोलो कि सुबह का प्लान क्या है, उमर साहब इधर कहीं फिर रहे थे।